अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने में भी शर्म आ रही है क्या तुमको? हे गाइस, दिस इज प्रीति, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज 10th ऑफ अगस्त है, आज अंश का बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। इसके लिए हम लोग आए हैं और उसके घर भी जाना है, तो घर जाने से पहले हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करना चाहते थे उसके लिए। तो इधर हम लोग आ गए हैं मॉल में। से हाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And छोटे छोटे बच्चों के इतने क्यूट क्यूट से कपड़े हैं कि मन कर रहा है हमें सारे कपड़े ले लूं, लेकिन हमारे घर पे कोई भी छोटा बच्चा इस टाइम पे नहीं है जिसके लिए हम लोग ले पाते। देखो यहाँ पे कितने क्यूट क्यूट से कपड़े हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैंने अंश के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं, तो बस अभी हमें एक टी शर्ट और चाहिए जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जैसी पसंद आएगी फिर हम निकलेंगे यहाँ से। आ जाओ इधर है टी शर्ट, इधर देखते हैं। तो देखो अभी हमारी अंश की शॉपिंग मैंने कर ली है और इनको अपने हस्बैंड के लिए वॉलेट लेना था, तो ये देख रही हूँ मुझसे बोल रही है कि मेरी वीडियो मत बनाना। अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने में भी शर्म आ रही है क्या तुमको? आओ ले लेते हैं, आओ। अब देखो ये लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? अब तो ये वीडियो में तो पड़ ही जाएगा, लो या ना लो। रुको इसकी बिलिंग तो करा लूं मैं। फाइनली ये नहीं ले रही हैं, इतनी गुस्सा आ गई इनको, इन्होंने मैंने शूट कर लिया तो। हम लोग की शॉपिंग हो गई है, अंश के लिए कपड़े मैंने ले लिए हैं और अभी मुझे लेना था अंश के लिए पिज़्ज़ा, और वो मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे है। कितना हुआ? हम दे रहे हैं इधर। थोड़ा सा आगे जाके मैंने गाड़ी अपनी पार्क करी थी, वहां से मुझे गाड़ी लेनी है। अंश कहाँ है? हैप्पी बर्थडे, ये लो देखो क्या है। बोलो तुम लोग मेरे काम का कुछ नहीं लाती हो ना? हाँ देखो है तो तुम्हारे काम की चीज। कैसा लगा?
लग रहा है जन्मों से तुमने पिज्जा नहीं खाया। क्यों अंश, कब से नहीं खाया? एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले तो ऐसे क्यों खा रहे हो? लग रहा है कि जन्मों से नहीं खाया। उसके बाद कभी नहीं मिलेगा। और इसके बाद कभी नहीं मिलेगा? यार तुम अपनी मम्मा के इकलौते बेटे हो और तुम ऐसे बोल रहे हो। इतना करती है सब। हाँ एकदम मुंह पे। तुमने तो यार अपनी मम्मा की बेइज्जती कर दी। पर्सनल बातें बीच में ना लाओ। मम्मा ये कहो मम्मा अनहेल्दी तुम्हें खाने नहीं देती है ना, बस ये इतनी सी बात है। हाँ फिर भी मम्मा इतना जिद करते हो तो मान जाती हैं। ये लड़का एहसान फरामोश है क्या? क्या क्या आज अपने बर्थडे वाले दिन मम्मा को ऐसे बोल रहे हो? हाँ सब रिकॉर्ड हो गया है। मैंने तो बोला खाने को नहीं मिलेगा, फिर आएगा। आएगा बाद में, एक दो महीने बाद। तो तुम्हारा मन है कि तुमको रोज रोज अनहेल्दी खाना खाने के लिए मिले ना? एक हफ्ते में एक बार? अच्छा ये कुछ ज्यादा नहीं है? सब मैदा है, नुकसान करता है, इसी वजह से तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, याद है? भूल गए हो? भूल गया। अभी फिर से बीमार पड़ोगे तब याद आएगा। ये तो पूरा खराब कर दिया। अरे चलता है, चलता है, ये चलता है। कह रहे थे रुक जाओ वेट करो। मुझे तो मैं करके दिखाती हूँ, खराब हो जाएंगे सब। अंश की मम्मा, अंश की बुआ, अंश की बड़ी मम्मी, सब लोग लगे हैं बलून फुलाने। और अंश की मासी चुपचाप बैठ गई हैं कैमरा देख के। डेकोरेशन भी हो गई और क्या, खाना भी ये ऑलमोस्ट बन गया, सिर्फ पूरियां बनानी है और अब हम लोग बैठ के गप्पे मार सकते हैं। बस मम्मी लोग आ जाए फिर केक वगैरह कटेगा। तो कहाँ है अंश, मम्मी कहाँ है? आ रही हूँ।